हेलो दोस्तों, चलिए आज चलते हैं बिज़हब कोनिका मिनोल्टा बिज़हब C224 प्रिंटर पे, सॉरी 364 प्रिंटर पे चलते हैं। कोनिका मिनोल्टा बिज़हब 364, उसका लाइट एंड डार्क आ रहा है। एक तरफ लाइट आ रहा है प्रिंटआउट, एक तरफ डार्क आ रहा है जिसको फेंट भी बोलते हैं। एक तरफ फेंट हो रहा है या लोग बोलते हैं एक तरफ लाइट आ रहा है डार्क आ रहा है। तो चलिए आज वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लाइट डार्क का, और मैं आज आपको बताता हूँ कि कोनिका मिनोल्टा बिज़हब 224 से लेज़र कैसे निकालते हैं, लेज़र कैसे क्लीन करते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसी तरह आपको सेम टू सेम कोनिका मिनोल्टा बिज़हब C224, 284, 364 एंड 258 एंड 368, इस तरह के जितना प्रिंटर्स आते हैं वो सेम टू सेम प्रोसेस होता है लेज़र यूनिट निकालने का। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ हाउ टू रिमूव लेज़र यूनिट एंड कैसे क्लीन करते हैं, और जो लाइट और डार्क का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो भी सॉल्व करते हैं। चलिए चलते हैं। चलिए प्रिंटर पे आ गए हैं, दिखाते हैं। ये प्रिंटर है कोनिका मिनोल्टा बिज़हब 364। तो चलिए पहले फाइंड आउट करते हैं क्या प्रॉब्लम है, आपको बताता हूँ कैसे जो प्रॉब्लम है फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए पहले एक डेमो पेज प्रिंट करेंगे। तो डेमो पेज प्रिंट करेंगे, अगर उसमें पता चल गया, समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम है, तो उससे ही आगे का काम स्टार्ट करेंगे। नहीं तो फिर वापस से पैच प्रिंट आउट करेंगे, येलो, मैजेंटा, सियान, ब्लैक और चारों कलर का पैच प्रिंट करेंगे। उसके बाद फिर पता तो चल ही जाता है 100% कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो पहले डेमो पेज प्रिंट निकालते हैं। डेमो पेज में कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता है, तो उसके लेकर के जो है कि अभी सर्विस मोड में जाएंगे। सर्विस मोड में जाने के बाद आपको चारों कलर का प्रिंट आउट करके दिखाता हूँ, और आपको भी पता चल जाएगा कि कोई किसी प्रिंटर में क्या प्रॉब्लम रहता है, तो इससे पता चल जाएगा। ठीक है, सर्विस मोड में आने के बाद आपको चारों जो प्रिंट आउट है कलर लाइट प्रिंट आउट करके दिखाते हैं, मतलब पूरा डार्क नहीं रहता है, थोड़ा लाइट करके प्रिंट आउट मारते प्रिंट आउट करते तो उसमें ज़्यादा बढ़िया से पता चलता है क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम किसमें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। डार्क प्रिंट आउट करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लाइट प्रिंट आउट करेंगे तो बढ़िया से पता चलेगा। तो मैं चारों कलर का प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करने के बाद आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व करेंगे उसको। आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये चार प्रिंट बाहर आ गया है, चारों प्रिंट आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसा प्रॉब्लम है, क्या है। देखिए चार प्रिंट आया, ये देखिए लाइट है ऊपर एक तरफ, पूरा डार्क है इस तरह का, कोई फेंट भी बोलता है, हम लोग लाइट बोलते हैं, तो ऊपर देखो लाइट लाइट आ रहा है, फिर नीचे डार्क आ रहा है, तो यही प्रॉब्लम है। और जब प्रिंट आउट छोड़ रहे क्लाइंट कोई भी जॉब, तो एक तरफ पूरा फेंट आ रहा है, एक तरफ लाइट आ रहा है, अब एक तरफ अच्छा क्वालिटी आ रहा है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या करना पड़ता है, और इसी तरह का काम आप अपने प्रिंटर में भी कर सकते हैं। आप अपने प्रिंटर में करिए, इसी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करिए, और आप खुद भी अपने प्रिंटर का रिपेयर करते हैं, आप दूसरों के प्रिंटर भी रिपेयर करिए, तो आप सीख सकते हैं बहुत आराम से। देखिए एंड और एग्जिट करेंगे, पहले करने के बाद प्रिंटर को ऑफ़ करेंगे। प्रिंटर को ऑफ़ करने के बाद आज मैं आपको बताता हूँ ये जो प्रॉब्लम है वो लेज़र यूनिट का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कोनिका मिनोल्टा बिज़हब C364, 224, 284, C258, 368, इस तरह का जो प्रिंटर है सेम टू सेम मॉडल के, उसका लेज़र यूनिट कैसे निकालते हैं, हाउ टू रिमूव लेज़र यूनिट। तो पहले सबसे पहले एक कवर निकालेंगे, ड्रम यूनिट का नीचे का जो कवर रहता है। उसके बाद यहाँ पे एक लॉक रहता है, लॉक को निकालने के लिए आपको दो स्क्रू रहता है, दो स्क्रू निकालने के बाद ये ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा है वो बाहर आ जाएगा। वो बाहर आने के बाद लेज़र यूनिट का तीन कनेक्टर फ्रंट में आया हुआ रहता है, फ्रंट बोर्ड में। ये देखिए तीन कनेक्टर ये भी निकाल देते हैं, आप देख लीजिए बढ़िया से कौन कौन सा कनेक्टर रहता है। ये तीन कनेक्टर मैं बाहर निकालता हूँ, तीन कनेक्टर बाहर निकालने के बाद उसके बाद आपको दिखाता हूँ लेज़र कैसे निकालते हैं। तो चलिए मशीन को आगे लेते हैं, और लेफ्ट साइड से सब लेज़र यूनिट लेफ्ट साइड में रहता है, तो निकालता हूँ हाउ टू रिमूव लेज़र यूनिट। आप देखिए मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। ये देखिए ये लेफ्ट साइड में जो कवर है, इधर तीन स्क्रू होता है लेकिन इसमें दो ही स्क्रू है। तो दो स्क्रू निकालने के बाद जो ब्लैक का कवर है ना, वो कवर बाहर निकालेंगे। उसके बाद अंदर जो रहता है मेटल का भी कवर रहता है, एक जो स्टील का जो कवर रहता है वो भी निकालेंगे। दो स्क्रू निकालने के बाद ये ब्लैक का जो कवर वो बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद वो सामने में जो स्टील का जो कवर दिखता है दिखेगा वो भी निकालेंगे। देखिए इस तरह का आपको ब्लैक का कवर बाहर निकाल लीजिए, और ये देखिए सामने में भी एक स्टील का कवर है वो भी निकालेंगे। देखिए इसमें नॉर्मल स्क्रू जो रहता है छः या
सात रहता है तो क्लाइंट चार ही स्क्रू लगा कर रखता है, ज़रूरत नहीं रहता है। तो बहुत लोग इंजीनियर लोग दो ही तीन स्क्रू लगा कर छोड़ देते, चार स्क्रू लगा कर छोड़ देते। तो इसमें चार स्क्रू है, चार स्क्रू निकालने के बाद आपको ये स्टील का जो कवर है वो भी बाहर निकालेंगे। देखिए ये बाहर आ गया और ये सामने में बोर्ड है, इसको बोलते हैं पावर सप्लाई बोर्ड। और ये जो नीचे है ये फ़ैन है, फ़ैन को निकालने के लिए पहले फ़ैन निकालेंगे। फ़ैन को निकालने के लिए पहले कनेक्टर बाहर निकाल लिए। और इसमें दो स्क्रू रहता है राइट साइड और लेफ्ट साइड में, तो दोनों स्क्रू निकालने के बाद आपको बहुत ईजी है जो है बाहर फ़ैन आ जाएगा। देखिए सब पकड़िए, बाहर निकाल लीजिए, और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है निकालने में, बहुत मेहनत नहीं लगता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है बोर्ड, ये कनेक्टर कैसे निकाल रहे हो ध्यान से देखिए, क्योंकि दोबारा मैं जब फिक्स करूँगा उस टाइम ये जो है आपको नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा था, बहुत लंबा हो जा रहा था, बहुत हैवी हो जा रहा था। इसके वजह से मैं सिर्फ कनेक्टर निकालते हुए दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि फिर लगाते हुए मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा था। तो आप ध्यान से देखिए कौन कौन सा कनेक्टर निकाल रहा हूँ, कहाँ से निकाल रहा हूँ, कैसे निकाल रहा हूँ। अब ये कनेक्टर निकालने के बाद आपको ना ये जो पावर सप्लाई बोर्ड है इसको निकालने के लिए चार स्क्रू रहता है ओनली, राइट साइड में ऊपर, लेफ्ट साइड में ऊपर, और राइट साइड में नीचे, और लेफ्ट साइड में नीचे। देखिए कहाँ कहाँ से निकालता हूँ मैं स्क्रू, देखते रहिए आप ध्यान से। ये देखिए राइट साइड में है आपको, ऊपर साइड में है एक स्क्रू, और देखिए राइट साइड में एक स्क्रू नीचे है। अभी इस तरह का जो है जितना मशीन रहता है तो सब में इसी तरह का पावर सप्लाई बोर्ड निकालते हैं, लेकिन मॉडल जो है अभी आपका नया वाला जब आया है 250i 226i, उसका थोड़ा सा पावर सप्लाई बोर्ड निकालने में थोड़ा सा टफ है, वो दूसरे तरह से निकलता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ 224 364, आपका 258 368, ये तीन स्क्रू निकालने के बाद ये बोर्ड आपका बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा चार स्क्रू निकालने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे बोर्ड को, लॉक से बाहर आ जाएगा। उसके बाद आराम से बाहर आप निकाल लीजिए बोर्ड, देखिए कैसे निकाल रहा हूँ मैं, देखिए बहुत आराम से बाहर आ जाता है। ये देखिए इसको निकालने के बाद ये सामने का जो बोर्ड है उसको भी निकालना है। उसको निकालने के लिए जो छोटा छोटा आपका वायर लगा हुआ है ना, ये बढ़िया से वायर निकाल के लगे। एक वायर जो है पीछे मल्टीफंक्शन बोर्ड में जाता है और एक वायर लेज़र यूनिट में जाता है। इस बोर्ड को निकालने के लिए सब छोटे छोटे कनेक्टर आराम से निकालिएगा, और ध्यान से देखिए कौन कौन सा कनेक्टर कहाँ से निकाल रहा हूँ। अभी ये छोटा सा बोर्ड निकालने के लिए एक स्क्रू पे वो टाइट किया हुआ रहता है, एक स्क्रू निकालेंगे ये आराम से बोर्ड आपका बाहर आ गया है। अभी वो बोर्ड को बाहर निकालने के बाद उस सामने में जो स्टील का एक कवर है, मेटल का जो कवर है, इसको भी निकाल लेंगे आराम से। ये ज़्यादा बहुत बड़ी हार्ड नहीं है, आप स्क्रू निकालिए वो वापस से तुरंत वो कवर बाहर आ जाएगा। इसका कवर रहता है 3 6 7 स्क्रू रहते हैं इसमें, 7 स्क्रू निकाले आप, उसके बाद बहुत आराम से आपका वो स्टील का कवर बाहर आ जाएगा मेटल का। उसके बाद सामने में आपका लेज़र यूनिट दिखेगा, और लेज़र यूनिट भी आराम से फिर निकाल सकते हैं आप। ये देखिए ये सारे स्क्रू निकालने के बाद स्टील का कवर आप बाहर निकालेंगे आराम से, और निकालने में बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी, आप भी आराम से काम कर सकते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बस थोड़ा सा कनेक्टर को ध्यान रखिएगा, ये देखिए ये लेज़र यूनिट इसको बोलते हैं। अब ये पकड़िए, उसके बाद आराम से निकालिए, और जो फ्रंट में जो कनेक्टर था उसको भी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट। ये राइट साइड में येलो दिख रहा है, और फ्रंट में कनेक्टर लगा रहता है। तो अब ये देखिए ये लेज़र यूनिट बोलते हैं, ये है कोनिका मिनोल्टा बिजहब 364 का लेज़र यूनिट है। तो आइए बताते हैं कैसे क्लीन करते हैं लेज़र यूनिट को। तो देखिए कैसे क्लीन करते हैं, इसको क्लीन करने का प्रोसेस बहुत हार्ड नहीं है। आप एक सॉफ्ट कपड़ा, साफ़ कपड़ा, क्लीन कपड़ा आप लीजिए, आराम से ये जो चार जो आपको कांच दिख रहा है, शीशा दिख रहा है, मिरर दिख रहा है, उसको बहुत आराम से धीरे धीरे क्लीन करिए। क्योंकि आप अगर सॉफ्ट कपड़ा नहीं रखेंगे, हार्ड कपड़ा रखेंगे, तो इस पर स्क्रैच भी हो सकता है, और स्क्रैच अगर हो जाएगा तो आपका हर प्रिंट में क्वालिटी में प्रॉब्लम करेगा। इसलिए इस कांच को क्लीन करने के लिए आप हमेशा सॉफ्ट कपड़ा, क्लीन कपड़ा को यूज़ करें, ना कि ये आपका हार्ड कपड़ा हो या फिर ख़राब कपड़ा हो, गंदा कपड़ा हो, तो उससे और प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी चलिए आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है, क्योंकि हालांकि ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब भी करें। ये देखिए ये लेज़र यूनिट को कवर जो है निकालने के लिए तीन स्क्रू रहता है, तीन स्क्रू निकालने के बाद ये जो ऊपर का जो कवर है वो बाहर आ जाएगा। ये देखिए बाहर आ गया, बाहर आने के बाद देखिए इसमें कैसा रहता है, इसमें बहुत सारे कांच रहते हैं, हालांकि इसमें तो डस्ट नहीं है कुछ ज़्यादा, कांच पे देख रहा हूँ। चलिए आते हैं वापस, इसको फिक्स करते हैं, उसके बाद इस लेज़र को मशीन में वापस से लगाएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आपने जो वहाँ पर जो देखा मेरे को कनेक्टर निकालते हुए,
वो ध्यान रखिए, क्योंकि मैं वापस से जब लेज़र यूनिट लगा रहा हूँ तो ऑल कनेक्टर को कनेक्ट करते हुए नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, बड़ा हो रहा था, इसके वजह से मैंने उसको कट कर दिया है, वो नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो आइए वापस से लेज़र यूनिट को फिक्स करते हैं। और जो है इसी तरह का और सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर लगा हुआ डाला हुआ है, आपको अगर कुछ और रिपेयर करना है, ड्रम हो गया या फिर बेल्ट हो गया, किसी चीज़ का आपको निकालना है तो आप आराम से मेरे वीडियो देख के निकाल सकते हैं। और आप अपने प्रिंटर को कैलिब्रेशन अगर करना चाहते हैं, कैलिब्रेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। आइए चलिए लगाते हैं इसको लेज़र यूनिट को। तो ये लेज़र यूनिट है, आइए प्रिंटर में लगाते हैं, डालते हैं अंदर लेज़र यूनिट को। ये देखिए यहाँ पर है, इसको थोड़ा क्लीन कर लीजिए, थोड़ा सा गंदा अगर है तो क्लीन कर लीजिए, क्या होता है क्लीन करने से अच्छा रहता है। तो लेज़र में डालने के लिए बहुत ईजी प्रोसेस है, आप देखिए ध्यान से कैसे डालते हैं। ये देखिए, ये डालने से पहले सब वायर को बहुत ध्यान रखना, ताकि कोई वायर टूट ना जाए, कट ना जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर वायर टूट गया या कट गया तो सीधा एरर आ जाएगा, एरर आएगा आपको, फिर लेज़र यूनिट में वायर कनेक्ट करिए। ये देखिए, ये जो तीन वायर है ये फ्रंट का बोर्ड का वायर है, अभी वहाँ पर छोटा सा एक होल रहता है, तीनों कनेक्टर को जो है आगे ले लेंगे। देखिए मैं कैसे लेता हूँ, देखते रहिए आप वीडियो और लास्ट तक देखिएगा आप, मैं आपको ना जो लाइट डार्क का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, और आपको ये वीडियो देखने बहुत मज़ा आएगा, देखिए आपको। और इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नॉलेजफुल वीडियो आप देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वो कनेक्टर आगे मैंने निकाल दिया है, कनेक्टर अगर निकालने के बाद पहले सबसे पहले तो छोटा सा जो कवर था वो लगाते हैं। ये देखिए सब कनेक्टर को ना ध्यान से रखिएगा, देखते रहिएगा कि मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, कहाँ से कहाँ पे लगा रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर इधर उधर लग जाएगा आपका कनेक्टर, या इस कनेक्टर का दूसरे कनेक्टर में लग जाएगा, तो कुछ एरर भी आ सकता है, या बहुत सारे एरर आने लगते हैं। लेकिन ये काम आप बहुत ध्यान से करिए, और ये वीडियो भी देखिए तो बहुत ध्यान से देखिए, और लास्ट देखिएगा लास्ट तक, ताकि आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए पहले छोटा सा कवर मैंने लगा दिया है, छोटा सा कवर लगाने के बाद उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो छोटा सा जो बोर्ड मैंने निकाला था, जो वायर निकाला था उसमें से पतला सा हो, तो वो बोर्ड भी लगाऊंगा। यदि सब ये कनेक्टर ध्यान रखिए, कौन सा कनेक्टर मैं कहाँ पर से निकाल रहा हूँ, कहाँ पर लगा रहा हूँ, तो ये सब कनेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आइए देखिए मैं आपको फिर छोटा वाला बोर्ड कैसे लगाते हैं वो भी बताता हूँ। ये देखिए छोटा सा बोर्ड है, तो बहुत ईजी, वहाँ पे एक स्क्रू पे टाइट कर दीजिए। स्क्रू पे टाइट करने के बाद ये जो सब वायर है ना उसको अच्छे से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको अच्छे से कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपके जो प्रिंट आउट में क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारा एरर भी आने लगेगा। तो ये जो कनेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका लेज़र का कनेक्टर है, वायर है जो आकर के यहाँ पर कनेक्ट होता है, और दूसरा मल्टी फंक्शन बोर्ड जो होता है, मेन बोर्ड जिसमें हार्ड डिस्क लगा रहता है, वो मेन बोर्ड होता है, इसको मल्टी फंक्शन बोर्ड बोलते हैं। तो उसमें का भी एक वायर जो आ करके इस वायर में, इस बोर्ड में कनेक्ट होता है। तो आप देखते रहिए बढ़िया से, आप लास्ट तक जुड़े रहिए मेरे वीडियो में, और देखिए मैं आपको कितना अच्छा क्वालिटी निकाल करके दिखाता हूँ। वो छोटा सा बोर्ड लगाने के बाद, उसमें सारे वायर कनेक्ट करने के बाद, यहाँ पर देखिए पावर सप्लाई बोर्ड लगाते हैं। ये पावर सप्लाई बोर्ड लगाने से पहले नीचे का वायर जो है वो बहुत ध्यान से लगाइए, नहीं तो क्या होता है, रिबन वायर जो है, पतला सा जो वायर है वो कभी कभी कट भी जाता है। कट होने के बाद क्या होगा, फिर एरर आएगा, आपका प्रिंट क्वालिटी में प्रॉब्लम आई। देखिए मैंने सारे कनेक्टर लगा दिए हैं, कनेक्टर लगाने के बाद देखिए लास्ट में ये फ़ैन लगाएंगे। फ़ैन भी लगाने के लिए बहुत इजी है, फ़ैन लगाइए, कनेक्टर लगाइए, और आइए फ्रंट में जो तीन वायर आपको दिखाता हूँ जो मैंने निकाला था फ्रंट बोर्ड से, वो भी लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए तीन वायर है, तीनों वायर लगाइए, अगर ये नहीं लगाएंगे तो फिर एरर आ जाएगा, और फिर एरर आएगा तो आप फाइंड आउट करते रहेंगे। तो जो जहाँ से कनेक्टर निकालते हैं वो ध्यान रखिए कि कहाँ से कनेक्टर क्या निकाला है मैंने, वो कनेक्टर लगाना बहुत ज़रूरी है। नहीं लगाएंगे तो आप फिर परेशान हो जाइए कि क्या एरर आ रहा है, कहाँ से एरर आ रहा है, कैसा एरर है। तो इस तरह का ध्यान रखिए, कोई सा भी कनेक्टर निकालिए तो आप ध्यान रखिए कौन सा कनेक्टर कहाँ निकाला है। ये तीन कनेक्टर लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ, इधर जो मैंने एक लॉक निकाला था ब्लैक, वो भी लगा देता हूँ। ये लॉक लगाने के लिए कुछ नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है, ब्लॉक लगाइए और दो स्क्रू टाइट कर दीजिए। दो स्क्रू टाइट करने के बाद फिर फ्रंट का कवर लगाएंगे, उसके बाद वेस्ट टूनर लगाएंगे, उसके बाद फिर प्रिंटर को ऑन कर देंगे। प्रिंटर को ऑन करने के बाद, मशीन को ऑन करने के बाद फिर आपको क्वालिटी दिखाता हूँ। ये देखिए दो स्क्रू लगा दिया मैंने, टाइट हो गया लॉक, फ्रंट का कवर लगा देता हूँ ऐसे ही, उसके बाद फिर मैं फिक्स करूँगा, और उसके वेस्ट टूनर बॉक्स लगाता हूँ,
स्टॉप बॉक्स लगाने के बाद फिर प्रिंटर को ऑन करते हैं। आइए प्रिंटर को ऑन करते हैं, ये देखिए ऑन करते हैं। उसके बाद आपको उसी तरह का जो मैंने निकाला था, सियान, येलो, मैजेंटा, ब्लैक, चारों पैच निकाल करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप भी सेटिस्फाइड हो गए, नहीं भाई ये काम करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आप अपने प्रिंटर को भी इस तरह का काम कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह का वीडियो आपको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के शेयर भी करें, ताकि वो भी आपका वीडियो देखें, हमारा वीडियो देखें और अपने प्रिंटर का खुद से काम कर सकते हैं। ये चारों कलर जो मैंने मारा है सेम लाइट प्रिंट मारा है, बट आपको दिखाता हूँ पहले का प्रिंट और अभी का प्रिंट आउट में कितना फ़र्क हो गया, क्या क्वालिटी बन गया। लाइट डार्क का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। और आइए दिखाता हूँ, चारों कलर आपका बाहर आ गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले का प्रिंट आउट और अभी का प्रिंट आउट। ये देखिए आ रहा है बाहर, ये चार प्रिंट आउट आ गया, देखिए सियान का, अभी का सियान, ये पहले का सियान कलर है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इसे चारों कलर आपको दिखाता हूँ, ये अभी का मैजेंटा है, ये पहले का बिफोर एंड आफ्टर, देखिए क्वालिटी हो गया। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल में जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। आपको अगर इसी तरह का और वीडियो देखना है तो मैं इसी तरह और वीडियो बहुत डालता रहता हूँ। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो में। आपको मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आइए देखते अब क्या है, कुछ नहीं है, हो गया है, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ और भी अच्छे अच्छे वीडियो। चलिए ओके, बाय।